hello everyone it's 3 pm welcome to byju's exam prep और आज की history session में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं one quick revision of congress sessions and sources so both the topics hum cover karenge some very very important questions in today's session because these two topics are those jahan se har saal aapko questions aate hain and you all know that so chaliye aaj ke session mein everyone one quick revision of these two very very important topics to bahut sare log hamare sath jud chuke hain so everyone firstly welcome to the session so um Nafila hello good afternoon Yes, no, तीन बजे सेशन होता है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा so so really, really चल रही होगी इनफैक्ट इट शुड गो रॉकिंग है तो आर्किटेक्चर so वाले पार्ट को थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा बिकॉज आई थिंक फर्स्ट

Yes, Aris, you can do that. Not a problem. Jalaluddin, good afternoon. Angel, hello and welcome. Kanika, good afternoon. Reshma, hello. Reema, hello. Sujata, hello, good afternoon. So, everyone, uh, अब तो बहुत ही यस आर बिकॉज आई नो लास्ट टाइम हमने जो आपने आर्किटेक्चर किया था बहुत लोगों के क्वेश्चन गलत हुए थे सो वी विल मेक श्योर की ऐसा और आगे भी कुछ आर्किटेक्चर पे सेशन कर लेंगे बिकॉज आई थिंक टिल नाउ दैट इज वन एरिया वेर आई फाउंड दैट यू आज आर लिटिल विथ थोड़ा रिविजन की जरूरत है आई थिंक इंस्क्रिप्शन ऑल्सो क्योंकि हमने जो इंस्क्रिप्शन की सेशन भी की थी आप आई थिंक देर ऑल्सो यू नीड अ लिटिल विविजन बट ठीक है ये दो एरियाज हमने आइडेंटिफाई कर लिया दट यू आई नीड टू वर्क देर सो अभी हमारे पास टाइम है वी विल मेक श्योर दैट वी डू सम मोर सेशन की आपका ये पार्ट बहुत तगड़े तरीके से कंप्लीट हो जाए है ना चलिए सो so, मुकुल राजनाथ हेलो एंड वेलकम सरिता हलो हेलो खा येस yes, कोई बात नहीं तो अब तो छठ पूजा खत्म हो गई टुडे वाज द लास्ट वन तो ठीक है अब आप आराम से पढ़ाई करिए देखिए थोड़े बहुत फेस्टिवल्स आए आपने एंजॉय कर लिया सेलिब्रेट कर लिया अब जो भी आपका टाइम थोड़ा ऊपर नीचे लॉस हुआ उसको बैठ के कम्पेंसेट कर लीजिए किसी दिन थोड़ा एक्स्ट्रा जग जाइए बिकॉज यू हैव टू कम्पेंसेट ना आप तो चलो एंजॉयमेंट भी जरूरी है फाइन बट नाउ लेट मेक श्योर की जो भी हमारा टाइम गया आप उसको कंपनसेट कर लीजिए ठीक है टुडे इज सो वी हैव डेज का टाइम अगेन एंड दीज टेन डेज आर मेक एंड ब्रेक तो जोर शोर से पढ़िए जो व्हीक एरियाज है उसको कंप्लीट करिए एंड uh, can मैक्सिमम क्वेश्चन आप वैसे भी बहुत टाइम से क्वेश्चन सोल्व करें बट लास्ट के टेन डेज में ना दिमाग अपना थोड़ा सुपर एक्टिव रखिएगा सॉल्व क्वेश्चन एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करिएगा ठीक है एंड मेक श्योर कॉम्प्रशन क्वेश्चन सोल्व करते रहिएगा सो दैट दिमाग आपका उस मोड में रहे ठीक है चलिए सो so, प्रीति अमेरिका सुने हाँ हेलो Guys, I am doing absolutely, absolutely good, and I hope you guys are doing really, really well. Because आप लोगों का अभी well होना बहुत जरूरी of your health. Because some people were messaging me कि तबियत खराब हो रही है तो यार exam के पहले तबियत खराब मत करिए आराम से पढ़िए काम कामनेस लेके आइए We have been studying for so many months. अब ये main टेन days में क्यों आप हिम्मत हार रहे हो So ये टेन days में तो आपको literally अपनी गाड़ी की गेयर चेंज करनी चाहिए ड्राइवर ऑफ द सीट एज आई गेव यू वन एक हम मैंने वीडियो भी किया था be the driver. एंड सारी जोर शोर से जितनी भी आपने पढ़ाई कर रखी सिक्स मंथ्स टू मंथ्स उसको बस ये टेन डेज में जस्ट गो फॉरवर्ड विथ इट ओके ट रिविजन इज द की एवरीबडी एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म सब भूलते हैं इंस्क्रिप्शन में सबको कंफ्यूजन होता है आर्किटेक्चरल टर्म सब भूलते हैं इसका एक ही सोल्यूशन है यू हैव टू रिवाइज रिवाइज इट जितना ज्यादा ज्यादा उसको करोगे उतना रिटेंशन रहेगा है ना एंड ऑल्सो प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करिएगा क्योंकि सिर्फ लर्न करने से नहीं होगा एंड ऑफ द डे आप पूरा हिस्ट्री लर्न कर लो बट आपसे वो हंड्रेड एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते हैं देन यू लूज द गेम सो टू विन द गेम हमें वहां पे एमसीक्यू सॉल्व करने है सो योर माइंड हैज टू गो इन दैट मेथड ऑल्सो है ना चलिए चलिए ठीक है सो एवरीवन आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव इन तो चलिए लेट अस स्टार्ट द सेशन एंड डोंट वरी आर्किटेक्चर पे हम फिर से करेंगे इंस्क्रिप्शन सेशन अगेन असर्शन रीजनिंग पे वी विल डू अ सेशन वेरी वेरी सून ये दो तीन एरियाज हैं जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वी विल वर्क ऑन देम ठीक है चलिए एडमिट कार्ड अब तक तो आ जाना चाहिए यार सी सी लेट अस इट इज ऑल ओनली जो हम कर सकते हैं हैज ऑलरेडी इट्स अब दस दिन ही बचे हैं तो एनी टाइम द एडमिट कार्ड कैन कम नाउ सो लेट अस वेट फॉर इट खुद से वी कान डू एनीथिंग वी हैव टू वेट आई होप इस बार हमें कोई झटका ना लगे सो so, चलिए ठीक है सेशन sure like हमारी टीम काफी also, जो पढ़ रहे हैं सो so, जो हमारे साथ पहली बार ज्वाइन हुए हैं गाइज आई टेक एप सेशन ऑन ट्यूजडे एंड वेनजे ग्यारह बजे अभी संडे को भी लेती हूँ क्योंकि एक्सामिनेशन आ रहे हैं और यूट्यूब सेशन होते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एट थ्री पी एम तो जितने भी एप सेशन होते हैं ग्यारह बजे होते हैं जितने भी

चलो मनोज झालो एंड वेलकम स्मृता ऑल्सो एवरी वन हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जो भी हमारे हिस्ट्री के सेशन होते हैं आपको लिंक्स नहीं मिलते सो वी आर गोइंग टू डू दैट एंड बहुत जल्दी हम टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग भी करने वाले तो जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो फटाफट से ज्वाइन कर लो ओके चलिए सेवरी वन नाउडर स्टार्ट द सेशन आज के सेशन में हम करने वाले हैं कांग्रेस सेशन एंड सोर्सेस वैसे तो कांग्रेस सेशन काफी ईजी है बट अगेन दीज क्वेश्चन कम इन दी एग्जामिनेशन तो चलिए एक क्विक रिविजन हो जाए ये दो बहुत ही इजी टॉपिक्स का फॉर दी एग्जामिनेशन चलो सो हियर वी गो और कल का सेशन भूलिएगा मत कल हमारा जो सेशन होने वाला है इट इज गोइंग टू बी ऑन एडुकेशन एंड प्रेस रेगुलेशन तो दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न इंडिया के जहां से क्वेश्चंस आते हैं तो कल ये दो टॉपिक्स को डील करेंगे और इनके साथ सेशंस खत्म करेंगे अब देखिए सोर्सेज अनएंडिंग है हमने बहुत सारे सेशन किए सोर्सेज के तो चलिए कुछ मेजर सोर्सेज जो हमने नहीं किया है एंड लेट डू सम्रेस सेशन चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर वी गो अब ये देखते हैं कितने लोगों को ये याद है The term Agrahar appears for the first time in which of the following Gupta inscriptions? So everybody agrahar shak the Gupta inscription. Allahabad prashasti, Iran prashasti, Nalanda copper plate or Gaya copper plate inscription. Angel Preya, we are studying history. If you are interested in history, you can join the session. If you are not interested in history, you can still join the session. देखो ये फिर गलत हो रहा है क्योंकि हमने जब भी question किया था lot of people went wrong in this question. चलो इसका मतलब है फायदा हो रहा है सेशंस का पीपल आर लर्निंग चलिए ठीक है वेरी गुड एवरीवन आई थिंक चलो मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट तो प्लीज ये सब भूलिएगा मत बिकॉज दीज आर वेरी ट्रेंडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन में चलो बिल्कुल सही है तो ये आपने मतलब लर्न कर लिया है करेक्ट आंसर हमारा सी है नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और मैंने आपको पूरे इंस्क्रिप्शन पे लिस्ट uh, भी दिया क्यों नालंदा होगा यस yes. तो ये याद रखिएगा नालंदा कॉपर कॉपोरप्रेट इंस्क्रिप्शन बिहार ये एक लैंड चार्टर है जो बताता है कि समुद्रगुप्त जो है उन्होंने एक ब्राह्मण को एक विलेज दिया था एंड द फर्स्ट बार अग्रहार जो टर्म है ये इसी नालंदा कॉपर कॉपरप्रेट इंस्क्रिप्शन में आया था विच इज ऑफ समुद्र ठीक है ये हमने किया है बट दिस आई गेव यू बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रेंडिंग इसमें से कोई भी आपको आ सकता है अलाहाबाद प्रशस्ति याद रखिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनती है कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि जो हरिसेना है इनके पास कौन कौन से पोर्टफोलियोज है तो यू शुड नो दिस

आप पता लगता है दैट समुद्र गुप्ता ग्रांटेड विलेज टू अ बुद्धिस्ट विहारा एट गया और उस विहारा में आप देखोगे किसने बनाया था वो किंग महेंग वर्मा ऑफ श्रीलंका तो हर क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन काफी कनेक्टेड है आपको बस इसमें थोड़ा डिटेल स्टडी करना है ठीक है कब इन्होंने बुद्धिस्ट विहारा को लैंड दिया वो किस में है कब उन्होंने एक ब्राह्मण को जमीन दी वो किसमें थोड़ा ये देख लीजिएगा दीज आर वेरी वेरी ट्रेंडिंग फॉर दी एग्जामिनेशन इसलिए मैंने क्वेश्चन फिर से आपको दिया है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है चलिए एवरी क्वेश्चन नंबर टू अब आज और जो गणित नियोग है ठीक so, so, है सो जो गणित नियोग इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कॉर्पस ऑफ लिटरेचर सो गणित नियोग साहित्य जो है इनमें से किसका हिस्सा है जैन लिटरेचर का हिस्सा है बुद्धिस्ट लिटरेचर का हिस्सा है और सिंघला लिटरेचर का हिस्सा है और स्मृति लिटरेचर का हिस्सा है यस यू प्लीज कैलकुलेट योर मार्क्स एंड इन द एंड टेल अस कितने आपके नंबर आए हैं हमारे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन में 71, अब ये बताइए जो गणित नियोग है साहित्य ये किससे रिलेटेड है जैन लिटरेचर से रिलेटेड है बुद्धिस्ट लिटरेचर से रिलेटेड है सिंगला लिटरेचर से रिलेटेड या स्मृति लिटरेचर से रिलेटेड है चलो ठीक है क्लास कितने टाइम होती है नजीम हमारी क्लास होती है तीन बजे ठीक है चलो ठीक है सो so अंजलि आरती काजल रीमा एवरीबडी इज करेक्ट यस राजश्री तारक बिल्कुल कई एवरीबडी इज करेक्ट चलो ठीक है सो स्पॉट ऑन वेरी गुड करेक्ट आंसर ये है जैन लिटरेचर आप देखिए ये चारों चीज ना याद रखिएगा बुद्धिस्ट लिटरेचर में मोस्टली आप देखोगे त्रिपितास जातकास मिलिंदपन हो महावंसा महावत्सु बुद्ध चरिता ये सब बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गए जब हम ले जैन लिटरेचर की बात करते हैं तो मोस्टली फोर कैटेगरीज होते हैं ठीक है अब ये फोर कैटेगरीज याद रखिएगा और इसमें क्या क्या है हम थोड़ा ये भी देख लेंगे क्योंकि आजकल थोड़ा यहाँ से इनडेप क्वेश्चन आते हैं सो so, दवन योग हो गया, योग हो 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 गया 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 गणित देन वी हैव चारक एंड ये सब जैन लिटरेचर हो गए एंड सिंघला लिटरेचर मोस्टली दीपवंश एंड महावंश आता है अब ये सब में मोस्टली है क्या चलो हमें ये पता ये है ये जैन लिटरेचर का पार्ट है बट स्पेशली ऐसा क्या लिखा है इसमें एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं एवरीबडी बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन तो ये जो प्रथम नियोग्य है और जिसको हम कंथा नियोग लिटरेचर कहते हैं मोस्टली आपको यहां पे स्टोरीज मेशन कुछ हिस्ट्री के बारे में जेन कल्चर के बारे में जेन माइथोलॉजी के बारे में स्पेशली मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर यूनिवर्स कैसे फंक्शन करता है जोग्राफी कैसी कितने रिवर्स है कितने माउंटेन्स है ठीक है कर्मा क्या होता है ये सारी चीजों के बारे में जिक्र है फिर हमने थर्ड लिटरेचर पढ़ा था चरण अनियोग लिटरेचर इसमें मोस्टली ये आपको आपको बताते हैं कि अगर आप इस दुनिया में रह रहे हो, तो आपको किस तरीके से आपकी कंडक्ट कैसी होनी चाहिए सही चीजें क्या है जो लाइफ में करनी चाहिए कैसे लाइफ जीनी चाहिए इट टेल्स यू अबाउट योर लाइफ की वे ऑफ लाइफ कैसी होनी चाहिए व्हाट इज योर मेथड ऑफ लिविंग सही तरीके से जीने का क्या नजरिया है एंड फाइनली द्रवनियोग जो है याद रखिएगा इट टेल्स यू अबाउट एवरीथिंग द्रव्य का मतलब होता है सब्सटेंस तो ये आपको हर कुछ बताती है कि जो प्योर सोल है प्योर आत्मा क्या होती है जो इम्प्योर आत्मा है उसमें क्या फर्क है कर्मा क्या होती है कर्मा का आपके सोल में आपकी आत्मा में क्या इंफ्लुएंस है ठीक है आपकी सोल अगर इम्प्योर हो रही है आत्मा इम्प्योर हो रही है तो रीजन क्या है इसके सो so ये सारे लिटरेचर एक्चुअली बहुत जरूरी है अगर आपको जैन रिलीजन समझनी है जैन प्रिंसिपल समझनी है तो दीज फोर लिटरेचर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट

क्वेश्चन नंबर थ्री अब कांग्रेस सेशंस भी है तो चलो एक कांग्रेस सेशन हो जाए विच कांग्रेस सेशन पास द रेजोल्यूशन अगेंस्ट द यूज ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन चाइना ईरान एंड मेसोपोटामिया किस कांग्रेस सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि जो इंडियन ट्रुप इस्तेमाल होते हैं चाइना ईरान मेसोपोटामिया में जो भारतीय सेनाओं का so थर्टी टू या नाइनटीन ट्वेंटी एट सो किस कांग्रेस सेशन में ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ था कि हमारी भारतीय सैनिक जो है ये चीन ईरान और मेसोपोटामिया में इनका जो इस्तेमाल होता है उसके खिलाफ ये प्रस्ताव आई थी सो वन ओके ओके, इज करेक्ट सो सिमरन यू आर करेक्ट सुलेहा करेक्ट दिल्ली दूरनी बिल्कुल करेक्ट है दिशा पद्मिनी यस ही एवरीबडी इज ऑन फायर यस। आर से एक बार आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए देन हीना एब्सोल्युटली करेक्ट मेहर करेक्ट सृष्टि चलो ठीक है संपा सुभस्मिता आरती सरिता ठीक है मॉडर्न इंडिया इज मोर ऑल लेस गुड है ना चलो ठीक है वेरी गुड अब देखो कांग्रेस सेशंस आर वेरी वेरी इजी मोस्टली आजकल कांग्रेस सेशंस किसी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के अंदर लाइन में आ जाता है आपको किसी के बारे में कांग्रेस कोई पर्सनालिटी के बारे में कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा वहां पे उनका आ जाएगा कि ये इस सेशन के हेड थे एक्जैक्टली exactly आप वहां से एलिमिनेशन कर सकते हो बिकॉज जरूरी नहीं है कि आपको सारे पर्सनैलिटीज के बारे में हर कुछ पता ही रहेगा सो दीज आर की एरियाज अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा पेपर में रहते हैं तो एब्सोलूटली सही है करेक्ट आंसर ए है मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन दिस दिसन में मद्रास

अब एवरीवन क्वेश्चन नंबर फोर ये हमारे कांग्रेस सेशन है ये प्रेसिडेंट है तो चलो एक क्विक रिविजन हो जाए किस कांग्रेस सेशन के कौन से प्रेसिडेंट है विच ऑफ देम आर करेक्टली मैच तो मेरठ सेशन नाइनटीन में अब्दुल कलाम आजाद फैसपुर सेशन 1937 में जवाहरलाल नेहरू मद्रास सेशन 1927 में डॉक्टर एम ए अंसारी तो इनमें से कौन से सेशंस हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं? वन लेक्चर ऑन हिस्टोरियर एस एक हिस्टोरियोग्रफी पे हमारे तीन चार लेक्चर्स पहले हैं तो आप एक बार वो देख सकते हो बट ठीक है इन ड्यू कोर्स हमारी हिस्टोरियफी पे लेक्चर्स है इस मंथ तो जिस दिन होगा आप उस दिन अटेंड कर लीजिएगा आई विल इनफॉर्म यू पहले ठीक है बट पहले भी हमने कुछ सेशन किया आप वो देख सकते हो फिलहाल के लिए चलिए एवरी सो बी एवरी वन विच ऑफ दर करेक्टली मैच ओके तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट ह्योर एंड सम पीपल जिनका थोड़ा गलत हो रहा है यार इसमें तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए बिकॉज मेजर कांग्रेस सेशन और प्रेसिडेंट आपको तो ये लिटरली अभी लर्न होना चाहिए इस टाइम पीरियड में बट चलो मोस्ट ऑफ यूर एब्सुटली करेक्ट करेक्ट आंसर हमारा ए है एंड प्लीज याद रखिएगा नाइनटीन ट्वेंटी सेवन मद्रास प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एम ए अंसारी 1937 फेसपुर प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू 1946 मेरठ सेशन जो था इसके प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी एग्जैक्टली exactly. और यही लोगों का गलत हो रहा है तो ये याद रखिएगा मेरठ सेशन में इट वाज अब्दुल कलाम आजाद नहीं थे जेबी कृपलानी थे और ये दो बिल्कुल सही मैच है ठीक है सो आंसर इज गोइंग टू बी ए टू एवरीबटी ये सब थोड़ा लर्न कर लीजिएगा क्योंकि मान लो आपको ना जेबी कृपलानी के लाइफ के बारे में कुछ हिस्ट्री आ जाती कॉम्प्रिहेंशन में वी डोंट नो एवरीथिंग बट वहां पे एक सेशन आ जाएगा कि हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो नाइनटीन

सो परम महेश्वरा, देन वी हैव ग्रोसे प्रदय देन वी हैव अरिजी धर्मस्य स्वर हित वर्मा सो ये आपके कोड्स हैं। तो सर चलो ये देख ले। आंसर याद है या नहीं? सो वन अब ये याद रखिएगा नंदी वर्मा के बहुत सारी टाइटल्स हैं, बट अलग अलग इंस्क्रिप्शन में गुंतपली इंस्क्रिप्शन में कौन से टाइटल हैं? सो एवरीवन वन डी पाथु डी ओके चलो तो ठीक है मतलब तुम लोग आप सेशन से लर्न करते हो ओके मनोज डी ओके देन या पद्मिनी डी अंजलि ओके संचिता डी ओके वेरी गुड प्लीज कीप दिस इन माइंड ये सब क्वेश्चंस काफी ट्रेंडिंग है एंशंट से ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं ओके आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट तो चलो बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर हमारा डी है टू एंड थ्री अब ये याद रखिएगा पहली बात तो परम महेश्वरा इनका टाइटल ही नहीं है विजय देव वर्मा का टाइटल है परम महेश्वरा नंदी वर्मा के दो टाइटल्स है दो इंस्क्रिप्शन में गुंतपली इंस्क्रिप्शन में इनके टाइटल्स है अरिजीत धर्मस्य एंड गोहसद्री प्रदय ठीक है एंड ऑल्सो रिमेंबर इनके जो कानूपोलू इंस्क्रिप्शन है जो प्रकृत लैंग्वेज में है इसमें इनका टाइटल है जिनको हम कहते हैं स्वप्रथनिहित वर्मा तो और ये दो इंस्क्रिप्शन भी याद रखिएगा आपको ये दोनों इंस्क्रिप्शन के नाम भी आ सकते हैं कि किससे एसोसिएटेड है तो यू शुड नो फर्स्ट ठीक है चलो मतलब याद है वेरी गुड चलिए एवरी क्वेश्चन नंबर सिक्स कांग्रेस सेशन हो जाए ए सी मजुमदार जो है उन्होंने इनमें से कौन से नेशनल कांग्रेस सेशन की हेड की थी 1909 लाहौर सेशन 1920 कलकत्ता सेशन 1916 लखनऊ सेशन या 1924 बेलगाँव सेशन सो ए सी मजुमदार हेडेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस यस यू एलिमिनेट इट यू डू स्मार्ट वर्क कैसे भी हमें आंसर तक पहुंचना है ठीक है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको लगता है आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा है यूज योर एलिमिनेशन आपने इतनी तैयारी कर ली है कि आपको बैकग्राउंड नॉलेज पता है जस्ट कम टू द राइट आंसर बाई स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स है ना ये सब में पैनिक नहीं करना है ये सब क्वेश्चन में आपको स्मार्टली आंसर तक पहुंचना है सिक्स बी चलिए ठीक है आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट चलो ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम बिल्कुल सही चलिए ठीक है सबने सही बोला है सो करेक्ट आंसर हियर इज बी 1916 लखनऊ सेशन तो so, 1916 लखनऊ सेशन के हेड थे एसी सी मजुमदार और आपको पता है एनी ने बहुत मेहनत की थी कि जो मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट के बीच में प्रॉब्लम हो रखी है वो सॉल्व आउट हो जाए अदर ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे क्योंकि 1909 लाहौर सेशन में मदन मोहन मालवीय थे 1920 ट्वेंटी सेशन लाला लाजपत राय एंड नाइनटीन ट्वेंटी बेलगांव सेशन दी ओनली सेशन जहां पे महात्मा गांधी जी ने इसको चेयर किया था ठीक है पहले ये क्वेश्चन बहुत आता था बट अब थोड़ा आउटडेटेड हो गया क्योंकि सबको ये पता है ठीक है चलिए सो क्वेश्चन नंबर सेवन एवरीबडी अब आ जाओ थोड़े सोर्स क्वेश्चंस में बाल शास्त्री जम्बेदकर देन वी हैव करसोन मूलजी राजा राममोहन मोहन रॉय दादा भाई नारो जी ये हमारे चार लोग हो गए चार पर्सनालिटी दर्पण बंगदूत सत्य प्रकाश एंड रस्ती गुफ्तार अब ये कौन सी किताब किससे एसोसिएटेड है ये मॉडर्न इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चलिए ये देखते हैं देखो कभी कभी क्या होता है चार ऑप्शन में से आपको शायद एक दो पता नहीं होंगे देर जो भी आपको पता है मान लो आपको एक ही पता है ऑलवेज कम टू द कोड्स एंड डू एलिमिनेशन हमेशा कोड्स में आके एलिमिनेशन करने की कोशिश करिए कई बार ऐसा होगा कि चार में से आपको एक नहीं आता होगा सिर्फ एक ही आता होगा तो ये सब में पैनिक नहीं कर रहा है एक भी अगर आता है तो आप एलिमिनेशन की तरफ कोड्स में आओ दो ऑप्शन एग्जामिनेशन में हमेशा एलिमिनेट हो जाते हैं चलिए ये देखते हैं इज ऑन फायर हाँ इज आंसरिंग एब्सोलूटली करेक्ट चलो ठीक है बिल्कुल सही चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए किएडी एबसोल्यूट एबसोल्यूटली सही कर सरेक्ट आंसर हमारा डी है एंड आई थिंक सबने ही डी बोला है तो बिल्कुल बिल्कुल सही है कीप इट अप एवरीबडी ओके चलिए अब मैं समझ गई मॉडर्न आपका एकदम तगड़ा है, में थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि एंशंट के में आई सी मोस्ट आंसर आर गोइंग रॉन्ग दिस इज एब्सोल्युटली गुड फॉर एवरी वन चलो तो बिल्कुल सही है बाल शास्त्री जम्बेदकर याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट 1832 में इन्होंने शुरू की थी वीकली जो था दर्पण ठीक है एंड मोस्टली किस लिए था वो बेसिकली जो जो भी जो भी इग्नोरेंस है चीजें हो रही है, जो भी है जो लोगों के दिमाग में बढ़ रही उसको हटा के नॉलेज लाना लोगों को नए नए एंगल्स बताना हर चीज की सुपरस्टिशन को दूर करना दूसरा करसोनदास मूल जी याद रखिएगा इन्होंने सत्य प्रकाश शुरू किया था किस भाषा में गुजराती इन 1852 फिफ्टी टू किस लिए मोस्टली डो रिमैरिज के एडवोकेशन में होना चाहिए एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत सारे हमारे न्यूज पेपर्स आते हैं रिमेंबर दूत ऑफ राजा राम मोहन रॉयताराई नारोजी एंड ज्ञानेशन एडवोकेट करती है सामाजिक सुधार लाएंगे और एक नेशनल अवेकनिंग एक राष्ट्रवाद को जगाएंगे एक जागरूकता लेके आएंगे अमंग पीपल और जो भी रिफॉर्मस हमें पता है इंडिया को आगे प्रोग्रेस करनी तो वी नीड रिफॉर्म बट रिफॉर्म आप एक दिन में नहीं ला सकते क्योंकि सोसाइटी के माइंड को चेंज करने में टाइम लगेगा so, ये सब एडवोकेट करते थे कि सामाजिक सुधार लाना पड़ेगा एंड लोगों को इन चीज के रीजन बताते थे सो सोसाइटी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट रिफॉर्म्स, किस सेशन में अप्रूव हुआ था लाहौर सेशन कानपुर सेशन कैलकटा सेशन या कराची सेशन चलिए सो एवरीवन लेट अस फिनिश दिस वेज यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एवरीवन आई थिंक दीस सेशंस आर गोइंग रियली रियली गुड ठीक है तो चलो मॉडर्न में हम नंबर खींच लेंगे अब एंशियंट में हमें हाँ थोड़ी मेहनत करनी और नंबर खींचने के लिए सो एवरीवन चलिए गाइस कम ऑन कांग्रेस सेशन शुड नॉट गो रॉन्ग यार कांग्रेस सेशन गलत हो रहा है फिर तो यार मजा नहीं आएगा फिर ये तो हिस्ट्री का फिर बेसिक गलत हो रहा है चलो बिल्कुल सही है ये तो आपको लिटरली रटा होना चाहिए बिकॉज थिंग्स अगर आपको कांग्रेस सेशन दिख गया पेपर में तो यू शुड बी वेरी हैप्पी यार ये दो तो है ही है मेरे चलिए एवरी वन एब्सोलुटलीटली करेक्ट तो बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर हमारा कराची सेशन और कराची सेशन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले इसको प्रिसाइड किसने किया था 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सेशन मोस्टली तीन मेजर इवेंट्स के आसपास चल रहा था फर्स्ट इस टाइम पे महात्मा गांधी जो है वो जस्ट प्रिजन से बाहर निकले थे सॉल्ट सत्याग्रह के चक्कर में ही वाज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन सेकंड गांधी इरविन पैक्ट कंक्लूड हुआ था जहां पे स्पेशली सिविल डिसोबीडियंस को खत्म किया गया एंड थर्ड किस एटमॉस्फेयर में ये हो रहा था जस्ट इसके पहले आप देखोगे इस सेशन के एक वीक पहले भगत सिंह का एग्जीक्यूशन हुआ था तो ये तीन मेजर इवेंट्स है जो जनरली याद रखिएगा ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर नाइन द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक वॉज तो आखिरी सेशन जो बाल गंगाधर तिलक ने अटेंड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकटा सेशन 1906 कैलकटा सेशन 1917 सूरत सेशन 1907 अमृतसर सेशन 1919 सो एवरीवन मनीष गुड इवनिंग बट मनीष लेट हो गए आप आधे घंटे थ्री बजे तीन बजे हमारा टाइम सेट कर लो सारे काम आप उसके आगे पीछे कर लो टिल एग्जामिनेशन एवरीवन वन थ्री ओ क्लॉक इज आर यूट्यूब टाइम डोंट गिव इट टू एनी थिंग सो एवरी चलो वेरी गुड ठीक है मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट यस सचिन एब्सोल्युटली करेक्ट अब देखो ये होता है रिवीजन कि हमने एक टॉपिक किया एंड सारे लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड अपने जो भी इंफॉर्मेशन है ये लिखना शुरू कर दिया एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीवन करेक्ट आंसर हमारा डी है अमृतसर 1919 मोस्टली इनकी डेथ कब हुई थी फर्स्ट ऑगस्ट 1920 तो उसके 1920 के पहले के जितने सेशंस हैं वो उन्होंने अटेंड किया होगा सो ऑब्वियसली दिस इज द लास्ट सेशन एब्सोल्युटली करेक्ट और अमृतसर सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ये थर्टी फोर्थ सेशन था 1919 में मोस्टली किस लिए ये सेशन था तो आप ऑटोमेटिकली इस टाइम पीरियड से थोड़ा एलिमिनेट कर लोगे इस टाइम पे जो जलियावाला बाग हुआ था तो मोस्टली इस कांग्रेस सेशन में हमने सोलिडेरिटी दिखाई हर वो लोग से जिनकी मौत हो गई थी जलियावाला बाग मासिकर में ऑल्सो मोतीलाल नेहरू जी के प्रेसिडेंटशिप में कांग्रेस ने इस चीज को कंडेम भी किया कि बहुत गलत चीज हुई थी येस सो कंडेम भी हुआ एंड याद रखिएगा ये थर्टी सेशन है कभी कभी आपको ऐसे भी आ जाता है कि कितना नंबर का सेशन था बट ऐसे में डोंट लर्न एवरीथिंग मोस्टली जो सेशंस आपके 1919 वाले टाइम पीरियड में होते हैं टिल इंडिपेंडेंस वाले जो सेशंस होते हैं बस वो देख लीजिएगा थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ है जब एनी बेस बेसिकली आप देखोगे सरोजी नायडू आती तो वो कौन सा सेशन है ये सबके थोड़े नंबर देख लीजिएगा नॉट एवरीथिंग हर चीज जरूरी नहीं है चलिए क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ़ फॉलोइंग इज दी वर्क ऑफ मुशिका वंशा तो इनमें से मुशिका वंश की बेसिकली कौन सी रचनाएं हैं सो वी हैव अतुल देन वी हैव विक्रमादित्य देन वी हैव हर्षवर्धना, एंड देन वी हैव अमोघा वर्षा तो इनमें से कौन सी वर्क है ऑफ मुशिका वंशा येस yes, येस yes, इस बार पक्का होंगे टूगेदर एज अ टीम वी विल क्लियर जी आर वी हैव टू क्लियर जी आर देखो आप एक्सामिनेशन इतनी बार पोस्टोन हो गया कि आप बहाना भी नहीं बना सकते हो वी हैव टू क्लियर इट वी विल क्लियर इट अभी भी आपके पास टेन डेज बचा यार एक दिन मेरा दुनिया बदल जाती है टेन डेज इज स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम अभी भी आपको लग रहा है ना कि ये एरियाज वीक है जस्ट बी अ वॉरियर एंड गेट एवरीथिंग डन ठीक है तो कोई टेंशन की बात नहीं कोई पैनिक नहीं करना है रिलैक्स बी कॉन्फिडेंट अपने आपको बैक करो यार ठीक है अभी भी आपको लगता है ना कि ये गड़बड़ है गो फॉर ए टेन डेज है टेन

चलिए अभी वन क्वेश्चन नंबर 11 okay. कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन हमने किया था लखनऊ सेशन 1916 लाहौर सेशन 1929 ट्वेंटी बलगांव सेशन 1924 या कराची सेशन 1931 थर्टी तो, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन चलो अब ये सब तो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए इसको तो 10 सेकंड में हमें आंसर करना चाहिए ओके सोमाश्री सी ओके देन नमिता ए श्वेता सी तारक सी ओके श्रीनाथ सी कविता सी शालू सी सी दिशा सी संति गोपाल ओके चलो ठीक है आई थिंक एवरीबडी इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन बिल्कुल सही ओके सी चलो ठीक है आई थिंक एवरीबडी इज करेक्ट हियर तो चलो बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर लाहौर सेशन सी 1929 लाहौर सेशन प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू यहां पे हमने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया अभी तक हम डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे ब्रिटिशर्स ने हमें डोमिनियन स्टेटस दिया ही नहीं अब जब हमने पूर्ण स्वराज मांग लिया तो ब्रिटिशर्स ने बोला फिर डोमिनियन स्टेटस ले लो ठीक है तो हमने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया ऑल्सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और यस एग्जैक्टली एंड 26 जनवरी को हम प्रॉपर इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करेंगे ये सारी चीजें लाहौर सेशन में होती है चलो नंबर मैनिफेस्टो ऑफ़ किसान किसान सभा अडॉप्टेड इन विच ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन तो किसान सभा का मैनिफेस्टो किसान हमने किस इंडियन नेशनल सेशन के कांग्रेस में अडॉप्ट किया लखनऊ सेशन रामगढ़ सेशन हरिपुर सेशन या फैजपुर सेशन mostly history examination happens in the first day first shift technically aaj tak jitne bhi examination mein history pehla din hi pehla shift ho jata hai but since is bar hame itne jhatke mil rahe hain nta se so let us see ki yahan pe bhi kuch maybe there can be some changes but mostly aapka pehla session mein ho jayega maybe not the first day second third day tak history will get over ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं but let us see but आप ये मान के चलो कि ट्वेंटी एग्जामिनेशन है तो ट्वेंटी ट्वेंटी वन टाइम पे history खत्म हो जाना चाहिए okay? चलिए चलिए जो है बडी एवरीबडी एब्सोल्यूटलीटली करेक्ट चलो वेरी गुड करेक्ट आंसर लखनऊ सेशन बिल्कुल सही है 1936 देखो फैजपुर सेशन और लखनऊ सेशन इसमें फर्क है ठीक है एक सेशन आपको क्वेश्चंस आती है कि एग्जाम कौन सी सेशन हमारे विलेज में हुआ था लखनऊ सेशन 1936 थर्टी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इस सेशन में हमने किसान मैनिफेस्टो जो किसान मैनिफेस्टो किसान सभा का वो अडॉप्ट किया था जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में और ये मैनिफेस्टो आपको बहुत सारी चीजों का विजन दिखाता है कि कैसे लैंड रेवेन्यू को हम रिडर रिड्यूस करेंगे रेंट को रिड्यूस करेंगे फ्यूडल लेवीज को हटाएंगे एग्रीकल्चरल लेबरर्स को प्रॉपर लिविंग वेज दिलाएंगे जिस जिस पैसे से वो आराम से रह सकते हैं पेजेंट यूनियंस को रिकॉग्निशन दिलाएंगे ये सब हुआ था लखनऊ सेशन में 1936 ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 30 एवरीवन द 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सबसे इस सेशन में ऐसा क्या हुआ था वाई इज दिस सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी नोन इस सेशन में पहली बार हमने नेशनल एंथम गाया इस सेशन में पहली बार हमने नेशनल सॉन्ग गाया पहली बार हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग तिरंगा है हमने हॉइस्ट किया इस सेशन में या पहली बार हमने स्वराज वर्ड का इस्तेमाल किया सो so, 1896 सेशन ऑफ कांग्रेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है चलिए दिशा यू आर करेक्ट चलो हीना बी जिमिन बी ओके okay, पद्मिनी बी स्नेहालता ओके okay, श्वेता सुबेन्दु ओके okay, शिवनाथ रेणु चलिए ठीक है ओके सो गाइस आई थिंक बाय नाउ

सिंग सॉन्ग ठीक है और वंदे मातरम आपको पता है इट वॉज कंपोज इन संस्कृत बंकिम चंद्र चैटर्जी ने और फाइनली कहा था ये इनके नॉवल आनंद मात में और इस सॉन्ग को ट्यून में सेट करते हैं रविंद्रनाथ टेगोर और ये सबसे पहली बार इस सेशन में गाया जाता है इट इज वाई दिस सेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है ठीक है चलिए एवरी वन चूज दी इनकरेक्ट पेयर अब कांग्रेस सेशन के बाद थोड़ा सोर्सेज में आ जाओ हीर रांझा इसको कंपोज किया था शाह ठीक है देन वी हैव थयूमनवर इनको कंपोज किया था वारिशाह ने एंड रिसालो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सितार पोएट्री होती है इसके प्रतिपादक है इसके एक्सपोनेंट है तो एवरी वन इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है जो करेक्टली नहीं मैच है चलिए सो so, प्रीति ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर एवरी वन हीर राम शाह अब्दुल रतीफ देन वी हैव मन वर टेक्निकली वारिस ने कम्पोज किया था देन वी हैव रिसालो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सितार पोएट्री के प्रतिपादक है नो no आइडिया चलो ठीक है आइडिया ले लो लेट्स डू दिस ऑल्सो डी ओके बी डी ओके सो आई थिंक हियर आर स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड तो चलो देखते हैं ओके सो आई थिंक वैशाली इज सिंग डी एनी वन एल्स हु सब लोग बी ए बी ए कह रहे हैं सी ओके डी ओके आई थिंक शरीफ एंड वैशाली ये दो लोगों ने डी बोला है एंड एक्चुअली करेक्ट आंसर योर इज डी क्योंकि ये सभी गलत है ऑल आर इन करेक्ट पेयर तो वैशाली एंड यस एंड शरीफ वेरी गुड ठीक है ये सोम श्री यू ओके okay. चलो ठीक है तो ये दो लोगों ने डी बोला एक्चुअली एवरीबडी सारे गलत है तो पहले तो याद रखिएगा Firstly, ये याद रखिएगा जो थयन मनूर है ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बेसिकली जो सितार पोएट्री है ही इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट एक्सपोनेंट प्रतिपादक है सितार पोएट्री क्या होता है मोस्टली दीज आर पोएट्रीज इन तमिल जो टेम्पल रूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं जो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं ठीक है ठीके? तो जो सबसे लास्ट ऑप्शन था कि जो आ, आपके यस yes, दैट लास्ट ऑप्शन इज एब्सोलूटली रॉन्ग तो ये इनका नाम हमेशा याद रखिएगा ठीक है बिकॉज इनपे आजकल क्वेश्चन बड़े ट्रेंडिंग है फर्स्टली शेवन सिद्धांत फिलोसफी को आर्टिपुलट करते सितार के बेस्ट एक्सपोन सितारोएट्री में ही रानझा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता है रोमांटिक एपिक है पंजाबी में इट वॉज कंपोज बाई वारिश शाह एंड सिंधी लिटरेचर भी एटीन सेंचुरी में बहुत एक्सपैंड करता है एंड शाह अब्दुल लतीफ जो है इन्होंने कंपोज किया था हिसालों को ठीक है तो ये तीन हमेशा याद रखिएगा ठीक है फॉर आगे के इंफॉर्मेशन के लिए भी क्योंकि अब्दुल रतीब जो है ये एक दो बार पेपर में आ चुका है एंड इनका नाम कई बार असोशन रीजनिंग में भी आता है ठीक है चलो चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच अम दॉलोइंग एंशियंट इंडियन सोर्सेस डील विथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिजीजेस ऑफ एलिफेंट थ्रू मेडिकेशन एंड सर्जरी तो कौन सी ऐसी एंशियट इंडियन किताब है जो आपको ये बताती कि हाथियों में कौन सी मेजर डिजीज होते थे और कैसे इनको मेडिकेशन और सर्जरी से आप ठीक कर सकते थे अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो ये बुक का नाम बड़ा इजी है ठीक है और आप बुक के नाम से आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये किताब बेसिकली है कौन सो वी हैव हस्ती आयुर्वेद और देन वी हैव हाँ श्रृंगराधर संहिता और वी हैव हाँ अष्टांग संग्रह और वी हैव हाँ सुश्रुत संहिता देखो सब लोग सही कह रहे हैं इवन इफ यू डोंट नो येस जितेंद्र हेलो वेलकम जितेंद्र टू लेट चलो एब्सोल्युटली करेक्ट बिल्कुल बिल्कुल सही है तो चलो सही आंसर हमारा ए है एंड आई थिंक सबने ही ए बोला है एब्सोल्युटली करेक्ट इनके नाम से आपको हंसते नाम से ही पता लग जाएगा इट इज एलिफेंट तो याद रखिएगा आल्सो इट टेल्स यू अबाउट एलिफेंट एंड हस्तांग समर टेल्स यू अबाउट योर हार्ट एंड सुश्रुत समृत आपको पता है इट इज अ सर्जिकल बुक वेरी गुड चलो क्वेश्चन सिक्सटीन

ठीक है अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखोगे यूजुअली इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं ठीक है सो वी हैव उबैदी देन वी हैव आई वोल फाइव हंड्रेड देन वी हैव मुमरी दस्तल और वी हैव सेवरी वन इसको ध्यान से पढ़ो इसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा इधर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट मर्चेंट गिल्ड फ्रॉम आई होल्ड टेक्निकली आपको नाम से ही पता लग जाएगा अगर आप ध्यान से नाम पढ़ रहे हो तो यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर ओनली ओके okay, यस yes. अगर नाम से ही ध्यान पड़ोगे तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा एक्चुअली मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट

है और ये फाइव हंड्रेड लॉर्ड ऑफ अवेल मतलब पांच सौ टेक्निकली आपके गिल्ड के लोग हो गए मर्चेंट गिल्ड थी थी और ये आपको बताती कि जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज है तमिलनाडु कर्नाटक आंध्र प्रदेश में इसके बीच का लिंक मोस्ट ऑफ देम आप देखोगे जो इंस्क्रिप्शन मिले नाइन्थ सेंचुरी में इसमें इनका जिक्र भी है और आई होल आपको ऑलरेडी पता है ये मेजर सिटी थी ऑफ बादामी एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जहां पे आप देखोगे और एक्चुअली आपको पता है बहुत सारे इन्होंने डोनेशन भी किए बहुत सारे टेम्पल्स एंड लैंड भी आपको इनके नाम से दिखते हैं जिसमें इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस भी हमारे पास है मोस्ट ऑफ दिस ये मर्चेंट्स थे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में स्पेशलिटी हासिल करते थे एंड एज आई टोल्ड यू नाइन से फोर्टी सेंचुरी में जो भी इंस्क्रिप्शन में थे इनमें हमेशा अव्य होल फाइव हंड्रेड मेन्शन रहता है बहुत सारे लैंड ग्राम बहुत सारे टेम्पल्स इन्होंने अपने टाइम पीरियड में डोनेट भी किया था और ये इनका टर्म है जो हमेशा मैं

नेम ऑफ द किंग एंड उनके टाइटल्स ठीक है सो नरसिम्हा वर्मन द फर्स्ट देन वी हैव कुलुटुंगा द फर्स्ट देन वी हैव नंदी वर्मन द थर्ड एंड पुलकेशिन द सेकंड अब इनमें से किसके कौन से टाइटल्स है ठीक है सो वी हैव टेलरिंद देन वी हैव वातापिकोंडा देन वी हैव सत्रा और देन वी हैव शुंगतम अब इनमें से किसका टाइटल कौन सा है अगर आपको एक भी पता है आप प्लीज इधर एलिमिनेशन में आ जाओ शुगमन मित्र किसका टाइटल है सत्याश्रय किसका टाइटल है वातापी कौन किसका टाइटल है एंड तेलारी जो है ये किसका टाइटल है

चलो ठीक right. so है एब्सोल्युटली राइट सो करेक्ट आंसर हमारा बी है ठीक है एंड आई थिंक सब ने ही बोल रखा है ये देखो एक तो आपको हमेशा आता होगा नरसिंह वर्मन का टाइटल वातापी कौन ये आई थिंक आपने हर जगह ये पढ़ा होगा ठीक है so सो ये तो आप स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते हो तो ऑलवेज क्योंकि वर्मन ये आपको हमेशा पता है पल्लवा किंग जो नरसिंह वर्मन थे उन्होंने वातापी कॉन्डा का टाइटल अज्यूम किया था इसका मतलब होता है कॉन ऑफ वातापी तो अगर आपको बस ये पता है कि वर्मन जो है ठीक है एंड सी ऑलवेज रिमेंबर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक दो भी टाइटल आता है तो सीधे सीधे मैच करने आ जाओ ठीक है और ये टाइटल इनको क्यों पड़ा था वेन ही डिफीटेड एंड किल्ड पुलक इज सिंध द सेकंड और उन्होंने कैप्चर किया था चालुक्यन कैपिटल बादामी ठीक है अब सुंगत मित्र जो है याद रखिएगा कुलटोंगा चोला द फर्स्ट इन्होंने दो किंगडम्स को यूनाइट किया था ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगे को और चोलक्यास ऑफ तांजूर को ये सब आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हिज अदर नेम वाज राजेंद्र द सेकेंड ठीक है बेसिकली याद रखिएगा हु गिवन द टाइटल ऑफ संगम तवित्रा मतलब जिन्होंने टॉल्स किया ठीक है अब तलेंद्र तलेन्द्र जो है ये नंदी वर्मन द थर्ड है ठीक है और ये आपको पता है पल्लवा किंग थे एक दो भी अगर आपको पता है, कौन आप सबको पता है, तो अगर आपको बस ये पता था ना कि कोंडा है मतलब का हो गया, टू. अब सीधे एलिमिनेशन में आओ, क्या ए टू है ये सीधे रॉन्ग हो गया क्या ए टू है नहीं क्या ए टू है नहीं सो जस्ट बाय नोइंग वन आंसर आप करेक्ट आंसर तक आ सकते हो जरूरी नहीं है कि आपको सारा याद रहे इनकेस आप भूल जाते हो एक भी काफी होता है दो तो सीधे जाएगा। और अगर आपने की देखा है तो कभी-कभी एक आंसर आंसर से आप actually right तक पहुंच सकते हो तो एक दो टाइटल नहीं आता है बट जो आता है ना उससे क्वेश्चन सोल्व स्मार्ट रहेगा एग्जामिनेशन टाइम पीरियड में ठीक है चलो क्वेश्चन तो कौन से बेसिकली चोला राज्य राजा थे जो अपने अभिलेखों की आरंभ में एक ऐतिहासिक भूमिका टेक्निकली एक हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन जो है ये देने की कोशिश करते थे सो वी हैव सुंदरा इंस्ट्रक्शन वी हैव राजा राज चोला उत्तम चोला और राजेंद्र चोला तो कौन से चोला रूलर एवरीबडी जो अपने इंस्क्रिप्शन में हिस्टोरिकल इंस्ट्रक्शन देते थे अब कई बार आ जाता है प्रशस्ति किसके इंस्क्रिप्शन में थे तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा है ना चलो चलो इधज इजी आई थिंक एवरीबडीज आंसरिंग द राइट आंसर ये दिशा सीओ के मनीष डी शिवनाथ सिंह यशिका सी ओ के इंद्रजीत सिंह ठीक है चलो रेणू डी तो आई थिंक मोस्ट ऑफ दर कंफ्यूज बिटवीन डी एंड सी ठीक है तो आई थिंक ठीक है चलो तो करेक्ट आंसर यर चोला एवरीबडी बस ये याद रख लीजिएगा ठीक है कि राजा राज चोला जो थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता ही है इन्होंने शुरू किया था ये प्रैक्टिस की कभी भी अपना इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे वहां पे एक हिस्टोरिकल इंस्ट्रक्शन एक ऐतिहासिक भूमिका रेफरेंस देते थे कि लोग कनेक्ट कर पाए कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है बस ये इनका नाम याद दैट इज ऑल चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एवरीबडी द एविडेंस ऑफ वाटर टैक्स इज प्रोवाइडेड बाय किसके इंस्क्रिप्शन किसके inscription से हमें पता लगता है कि ये ये लोग जो वाटर टैक्स जो है टेक्निकली ये लेते थे सो वी हैव पालास प्रतिहारस सेना और बेसिकली दड़वाल्स एवरीवन वाटर टैक्स एविडेंस किसके इंस्क्रिप्शन से आते हैं पालास प्रतिहारास सेनाज और वी हैव दढ़वाल चलो वेरी गुड की सही है तो चलो सही आंसर आप सबको पता ही है करेक्ट आंसर हमारा डी है एंड प्लीज एवरीबडी ये याद रखिएगा ये डायनेस्टी मोस्टली रूल करती थी प्रेजेंट डे हमारा जो उत्तर प्रदेश बिहार वाला पार्ट है इलेवन ट्वेल्थ सेंचुरी के टाइम पीरियड में एंड ये yes, इन्हीं के इंस्क्रिप्शन से हमें वाटर टैक्स का जो एविडेंस है ये पता लगता है एप्सोल्यूटली करेक्ट चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एवरीबडी आप कुछ किताबों में आ जाओ देखो हमने मैं किताबें कर दी लिया कुछ कुछ ऐसे किताबें है जो हिस्टोरिग्राफिकल सेक्शन में आ सकते हैं तो एक दो थोड़े अलग किताब देख लेते हैं हु रोट विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया स्टडीज इन डेली विलेज तो ये किसने लिखा है ये ने लिखा है in India, Oscar Lewis ने लिखा है, Robert Redfield ने, लिखा है Marriott ने लिखा है या प्रतिरम सोरोकिन ने लिखा है अब देखो मैंने कुछ कुछ ऐसे बुक्स के नाम डाले जो शायद आपने कभी नहीं पढ़े होंगे बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हिस्टोरिग्राफिकल सेशन में आ जाते हैं ठीक है थीके? तो मैंने कोशिश की कि हम तीन चार ऐसे मेजर बुक्स देख ले जिससे हमारा हिस्ट्री कनेक्शन है पुट इट चलो देखते, ये आंसर सही किसके होते हैं so everyone, है, तो नमिता ये कह रही है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मानो एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे टैकल करोगे चलो ठीक है सो आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑफेंट सिंह ए बी सी डी सब ने सब कुछ बोला है तो चलो करेक्ट आंसर देखते हैं करेक्ट आंसर हमारा इज ए तो जिन्होंने भी ए बोला है वेरी गुड विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया टेक्निकली स्टडीज इन डेली विलेज इसको लिखा है ऑस्कर लुइस ने टेक्निकली एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज है जो आपको किसानों की लाइफ में प्रेजेंट लाइफ के बारे में बताती है कि मिड ट्वेंटी सेंचुरी में बेसिकली स्पेशल टेक्निकली वो आपको सारे विलेज के जो भी नॉर्दर्न इंडिया में जितने भी गांव रूरल एरियाज थे सबके बारे में बता रहे हैं बट स्पेशल फोकस था, था दैट डेली रीजन तो ये आपको स्पेशली उस समय जो किसानों की लाइफ थी किस तरीके से वो रहते थे क्या कल्चर था इन चीजों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देते मिड ट्वेंटी सेंचुरी के टाइम पीरियड में ठीक है चलो से कौन सी ऐसी कौन सी ऐसी किताब है जो मैक्स वेबर ने नहीं लिखी है अगर आप ध्यान दोगे ना तो एक्चुअली आप सही आंसर पता कर लो गए इफ यू रीड दी ऑप्शन प्रॉपरली एक ऐसी किताब है जो आपको देख के लगेगा कि यार मैक्स वेबर नहीं लिखी होगी तो चलो देखते हैं चलिए सो so महिल महिलोवर चलो ठीक है नमिता ओके okay, देन शेख करेक्ट पद्मिनी करेक्ट ठीक है यस निधि निधिता भारती करेक्ट चलो ठीक है ग्रे सुमित्रा चलो करेक्ट ठीक है आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट गाइस इफ यू रीड इट प्रॉपरली आपको एक्चुअली नाम देख के पता लग जाएगा कि मैथ्स पेपर की किताब नहीं होगी चलो ठीक है आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट बिल्कुल सही है चलो तो करेक्ट आंसर हमारा डी है तो ऑल दोस पीपल हु हैव रिटन डी एब्सोल्युटली करेक्ट तो ये जो बुक एंड सोसाइटी इकोनॉमी एंड सोसाइटी है साइंस एज अ वोकेशन है रिलीजन ऑफ इंडिया है इसको मैक्स वेबर ने लिखा था ठीक है एंड ऑब्वियसली द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम इट इज नॉट ऑथर्ड बाय मैक्स वेबर चलो क्वेश्चन नंबर 22 ये जो किताब है पीपल ऑफ इंडिया इसको किसने एडिट की है हु हैज एडिटेड द बुक पीपल ऑफ इंडिया जी एस घुरे ने की है एस सी दुबे ने की है ए आर देसाई ने की है या के एस सिंह ने की है सो हु एडिटेड बुक पीपल ऑफ इंडिया चलो ये देखते हैं एवरीबडी सो एवरीवन थ्री मोर क्वेश्चंस टू गो तो चलिए कुछ ऐसे बुक्स देख लेते हैं कि हिस्टोरिग्राफिकल सेक्शन में आपको ये जरूर काम देगा सो पीपल ऑफ इंडिया राधेश्याम सी ओकेमिता एके देव से इंटरेस्टिंग अब सारे लोग इसमें गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कुछ लोग गलत सही बोल रहे हैं चलो देखते हैं सो सी सी एके सी ए चलो ठीक है एंड एवरीबडी लिखी का हु हैज एडिटेड ओके किसने लिखी है हु इज द राइटर ऑफ द बुक हु हैज एडिटेड द बुक किसने इस बुक को पब्लिश किया है ये सब में फर्क होता है इसमें एडिटेड बोला गया है ठीक है चलो ओके लेट अस सी द करेक्ट आंसर हियर करेक्ट आंसर इज डी जो आई थिंक अभी तक तो किसी ने भी नहीं बोला है सो के एस सिंह वाज़ द पर्सन हु हैज बेसिकली हु इज़ फॉर हिज एडिटोरियलशिप उसने पीपल ऑफ इंडिया को एडिट किया था अब ये किताब बेसिकली क्या है इट इज द फर्स्ट पैन इंडियन एथनोग्राफिक स्टडी ऑफ इंडिया इट इज द फर्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पैन इंडियन एथनोग्राफिक, एथनोग्राफिक स्टडी क्या होती है एवरीबडी आपको पूरे इंडिया के बारे में पैन इंडिया ऑल ओवर इंडिया इट गिव्स यू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ जो लोग इंडिया में रहते हैं किस तरीके का हमारा कल्चर है हमारी सभ्यता कैसी है संस्कृति कैसी है हमारा कस्टम कैसा है लोगों की हैबिट्स क्या थी क्या म्यूचुअल डिफरेंसेज है लोगों के बीच में सो याद रखिएगा इसलिए किताब इंपॉर्टेंट है इट इज द फर्स्ट

चलो ठीक है तो तो पे आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव सेट करेक्ट जिन्होंने भी ए बोला है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है करेक्ट आंसर ईपी थॉमसन है ईपी e. थॉमसन हम कई बार पढ़ते हैं जब हमने हिस्टोरियोग्राफी पढ़ी थी क्यों पढ़ते हैं बिकॉज ब्रिटिश मार्क्स सोशल हिस्टोरियन है ये इसीलिए मैंने ये तीन चार किताबें डाल रखी है कि और थोड़ी किताब देख लेते हैं सो मॉरल इकोनॉमी ऑफ इंग्लिश क्राउड इन दी एटीन सेंचुरी इट वॉज रिटन बाई थॉमसन जो की मार्क्स सोशल हिस्टोरियन है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अब आज आगे बढ़ी विजयनगर लिटरेचर के बारे में ठीक है so, सो विजयनगर लिटरेचर मनुचरिता देन वी हैव संगीत सरस्वम देन वी हैव महानाटक सुधन निधि और वी हैव अमुक्ता मालदिया ये किसने लिखे है सो वी हैव अल्लाह हसन बेसिकली पेदगंगा और वी हैव प्रौदा देवराया देन वी हैव स्वामी विद्रयन या कृष्ण देवराया किसने कौन सी किताब लिखी है जब हम विजयनगर लिटरेचर की बात करते हैं एंड अगेन अगर आपको एक दो भी पता है प्लीज ट्राई टू एलिमिनेट इट ठीक है चलो इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं मनु चरित्र देन वी संगीत सर्वस्वम देन वीव महानाटक सुधान नीति देन वीव अमुक्ता माल दिया तो इसको लिखा है अलासानी पेदाना ने स्वामी विद्यारायण देवराय या कृष्ण देवराय देवरायावरी वन चलिए ये क्वेश्चन खत्म कर ले लास्ट क्वेश्चन लेफ्ट यस मनीष हिंदी में भी है आप देख लो चलो सो एवरी वन वेरी वेरी गुड आई थिंक एवरीबडी इज करेक्ट येस अवनीश सैक करेक्ट पाथु शेख करेक्ट चलो ठीक है डेली दूर नहीं लता कविता एब्सोल्युटली दैट शुड बी द कॉन्फिडेंस यस सुनिहा की वेरी गुड चलो, आई थिंक एवरीबडी इज करेक्ट हिस्टर तो चलिए बहुत अच्छा है करेक्ट आंसर यू एलिमिनेटेड इट ये अवनीश वेरी गुड एज आई टोल्ड यू ऑलवेज एलिमिनेशन को आगे रखिएगा जरूरी नहीं है कि आपको चारों पता रहेंगे, बट दैट इज absolutely okay. चलिए सो वेरी गुड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट करेक्ट आंसर हमारा ए है सभी करेक्ट हो यू शुड पैट यूर सेल्फ गाइज हिस्ट्री सच अ वास्ट सब्जेक्ट उसमें आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी जा रही है यू नो सो मेनी थिंग्स कभी कभी खुद को शाबाशी देनी चाहिए डजेंट मैटर कोई और दे रहा है नहीं दे रहा है आप अपने आप को दे लो ठीक है तो चलो करेक्ट आंसर हमारा ए है एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यूसलूटली करेक्ट सोलासनी पेट गंगा रोड मनु चरित्र ठीक है एंड स्वामी विद्यानयन आपको पता है संगीत सर चलो ये सबने सही किया है एंड देन भी सुधानिधि जिन्होंने लिखा चलो ये देखते हैं दादशाह नामाज रिटन बाई इनायत खान डिस्क्राइबिंग द मुगल एम्पर शाहजहां रेन ठीक है सो पाठशाह नामा लिखा था इनायत खान में जो बेसिकली शाहजहा टाइम पीरियड के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे दीवाने मख् जो है ही वॉज कंपाइल्ड बाई दारा शिखो इन द प्रेज ऑफ शाहजहां सो दीवाने मख् जो है ये दारा शिखो ने कंपाइल किया था शाहजहां के प्रेज में तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स एवरीबडी विच इज करेक्ट

देखो यार ये गलत नहीं होना चाहिए कम ऑनिबिलिटी सोर्सेज है ओके बी ए डी सी ओके इंग्लिश ऑल्सो क्या शो यू इन इंग्लिश ऑल्सो पादशा नामा वॉज रिटन बाई इनायत खान जो शाहजहां के रूल के बारे में बताते हैं ठीक है दीवाने मक्फी को कंपाइल किया था दारा दाराशिको ने अगेन ये शाहजहां के प्रेस के बारे में किताब है चलो सो वी आर गेटिंग आंसर्स वन सो पहली बात तो याद रखिएगा एक्चुअली बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली रॉन्ग पहली बात आपको पता है पातशाह नामा किसने लिखा है अब्दुल हामिद लाहौरी ने पातशाह नामा लिखा है ठीक है इस वर्क में आप देखोगे बेसिकली जो शाहजहां है उनके स्टार्टिंग ट्वेंटी ईयर्स के बारे में में जिक्र है Also, ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि शाहजहां के बारे में सोशल इकोनॉमिक पोलिटिकल हमेशा मैंने आपको बोला किताबों की बारे में इकोनॉमिक मतलब, बारे में, economic, मतलब आर्थिक अब्दुल हमीद लाहौरी जो है ये ऑफिशियल हिस्टोरियन थे शाहजहां के कोर्ट के एंड मफवी जो है इसको कंपाइल किया था प्रिंसेसा ने इन द प्रेज ऑफ शाहजहां तो किसने कंपाइल किया है किसने लिखा है दोनों में फर्क होता है दीवाने वो कंपाइल्ड बाय प्रिंसेस जैबुन निसा जो कि शाहजहां के प्रेज में था बट कंपाइलेशन किसी और ने किया था ठीक है yes, ये तो यार पता होना चाहिए पांच शाहनामा गड़बड़ हो रहा है शाहजहां के बारे में दिस इज ओन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स मटीरियल इज द एंड ऑफ सेशन आई होप यू क्वेश्चन सेशन सबका सही था सोर्सेज भी सबका सही था तो वी डिड बोथ ऑफ द थिंग्स कल हम एडुकेशन रिवाइज करेंगे और प्रेश रजिस्ट्रेशन रिवाइज करेंगे ठीक है तो बाय दिस करके हमारा मॉडर्न इंडिया का मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर अप हो जाएगा ठीक है एवरीवन सो सी यू टुमारो 3 पीएम ऑन आवर यूट्यूब

निपटाना है, जंप मारना 10 days is make and break. अगर कोई दिन ऐसा होता है जो वेस्ट हो जाता है तो कोई बात नहीं इन द प्रिपरेशन मैंने हमेशा आपको ये लाइन ऑलवेज बी स्मार्ट वाइड यू प्रिपेयर ठीक है इमोशन साइड हैं। एक दो दिन अगर हो गया तो आप खुद की तैयारी को क्वेश्चन करने लगोगे तो कोई फ... That आप खुद ट करो ओके जस्ट बी स्मार्ट बी फ्लेक्सिबल कुछ वेस्ट हो गया तो एक दिन कंपेंसेट कर लीजिए एंड रिमेंबर यू गाइज नो अ लॉट ऑफ थिंग्स हिस्ट्री ऐसी है कि हर दिन आपको कोई नया क्वेश्चन दिखेगा बट उससे ना अपनी प्रेपरेशन पे इफेक्ट पड़ने मत दीजिएगा अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसा आपको दिख रहा है तो आप बेसिक उसको लर्न कर लीजिए बट ये नहीं कि अगर कोई एक फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आया तो आपको लगा रहे यार मेरी रहीपरेशन का क्या नहीं इट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है आपको एंशंट की दुनिया की हर किताब रटना इट इज नॉट

इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो ठीक है एंड uh, कोई भी प्रॉब्लम होगी प्लीज मुझे बताइएगा एंड ये मोस्ट वेलकम और कल सचिन ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी सो सचिन सी यू आर ऑन फायर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वेरी गुड सो एवरी वन चलिए कल मिलेंगे तीन बजे एडुकेशन प्रेस रेगुलेशन रिवाइज करेंगे ठीक है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ सो ऑल दी वेरी बेस्ट